हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। ये तो 3000 का महीने की पेंशन सिर्फ 18 साल के आदमी को 55 रुपए महीना देना पड़ता है। 55 रुपए सरकार देती है, हमारे नौजवान 12 साल वाले को तो ज्ञान नहीं है, 55 रुपए देते नहीं। हमने कहा कि हम परिवार को 6000 रुपए देंगे, उसमें से जितने नौजवान है या 40 साल की उम्र के हैं उनका सारा पैसा काट के उनका सबका पेंशन बनवा दो ताकि 60 साल के बाद सबको पेंशन मिल हो जाए। सरकार देती है तो देती है, तो उसके अलावा जब 60 साल हो जाए तो मिलेगी। एक्सीडेंट की बीमा उसमें हो जाता है, जीवन ज्योति बीमा हो जाता है। ये सारी योजनाएं हम बहुत जल्दी लागू करने वाले हैं। आपके परिवार की कुल संख्या कितनी है इसकी पहचान करके एक परिवार की आईडी भी देंगे ताकि किस परिवार में क्या है क्या नहीं है, जो नहीं है उसको कैसे दिलाया जाए कैसे दिया जाए। सरकार इस योजना अपने स्थान पर बैठ करके आपके घर को जाने का प्रयत्न करेगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये अंतर आने वाला है, इसलिए बहुत की योजना हम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का नाम है। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत ये बड़ा काम करने वाले हैं। मित्रों, मेरा आपको निवेदन ये है, निवेदन ये कि हम एक जाति से संबंधित लोग हैं, लेकिन मेरा कहना है समाज में बहुत जातियां और जाति जाति की अपने अपने कुछ जरूरतें हो सकती हैं। तो आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे हैं। भगवान भागीरथ जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नई सब्जी मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, भगवान भागीरथ जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। तो नई सब्जी मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, भगवान भागीरथ जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। मंजूर है क्या? इस चीज को मंजूर है कि एक परिवार के नाते सब रहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग साथ में रहे। और मैं नारा बोला करता हूं ऐसे समय में कि हरियाणा एक, कुछ लोग बोल रहे बाकी को पता नहीं है, मैं बोलूंगा हरियाणा एक। आपने बोलना हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। इस नाते से हमको पूरे हरियाणा के लोगों को अपने आप को हरियाणा के साथ जोड़ना है। जातियां अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, व्यक्ति अपनी जगह है, जिले अपनी जगह है, हमारी तहसील अपनी जगह है, गांव अपनी जगह है, शहर अपनी जगह है, लेकिन हम सब मिल करके एक यदि है तो हरियाणा के नाते हैं, हरियाणवी होंगे, सब मिल करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आसपास के प्रदेश, न केवल आसपास के प्रदेश, हरियाणा की प्रगति को आज होते हुए जो लोग देख रहे हैं उनको दुनिया के लोग भी कहने लगे हैं कि हरियाणा की परिवर्तन आपने कैसे कर दिया। आज हरियाणा में ईमानदारी का राज होगा, भ्रष्टाचार कहीं नजदीक नहीं आने लगे। भ्रष्टाचार के प्रति हम खूब शक्ति बन रहे हैं, क्यों? अगर भ्रष्टाचार होता है तो सबसे बड़ा नुकसान पाप किसका होता है? गरीब समाज, क्योंकि भ्रष्टाचार की आदत गरीब की कम होती है, अमीर की ज्यादा होती है। अमीर के मन में हवस होती है मैं और ज्यादा अमीर हो जाऊं और दुनिया का बड़ा आदमी बन जाऊं, सीधी कमाई करे बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं कमाने में, लेकिन सीधी कमाई के बजाय वो उल्टे सीधे तरीके अपना के कमाता है तो उसका नुकसान गरीब समाज को होगा। और भ्रष्टाचार रोकेगा तो सबसे ज्यादा लाभ भी किसको होगा? किसको होगा? क्योंकि पैसा बचेगा, और जो पैसा बचेगा वो सरकारी योजनाओं में काम आएगा, उसकी का सीधा आप तक पहुंचेगा। इसलिए भ्रष्टाचार से दूर करने के लिए भी हम लोगों को सतर्क रहना होगा। इस लड़ाई में, इस लड़ाई में 5 साल के बाद हमको मौका मिलता है कि हम किस आदमी को लड़ने वाले, किसको नहीं लड़ने वाले। ये 5 साल का मौका मिलो या
इससे पहले भी आया, आज से 2 महीने पहले वो मौका आया मई में, और मई में हम लोगों ने उसके ऊपर जो जवाब देना चाहिए था मजबूती से वो दिया। हरियाणा की जनता ने इतना बड़ा काम किया जो आज तक पहले नहीं किया। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के घोड़े में डाली, पहली बार डाली और बहुत बड़े माध्यम से अंतर से मोदी जी के नाम से। मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हमने ये बार मैं जोड़ दिया है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जो अभी पहले खा गए लोग उसको भी निकाल लाए, उसको भी निकाल लाए, अगर वहां से निकलेगा तो जनता के काम आएगा। तो बहनों, हम इस प्रदेश में एक शासन चला रहे हैं, इससे बढ़िया शासन एक बार अपने घर में और जो काम बचे उनसे करके और चलाएंगे। आपसे निवेदन है कि आने वाले 2 महीने के बाद एक बार फिर अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, और अक्टूबर के चुनाव के समय आप सब लोग मिल करके जो भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार 47 एमएलए से आपने बढ़ाई थी, इस बार 75 पास कर रहे हैं। कितने 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 तब होंगे जब एक एक राज्यसभा सीट और फिर एक एक वोट और फिर एक एक पन्ना वहां पर जाकर के वोट, कितने वोट लेकर के मशीन तक आओ कि मशीन में जब वोट डल जाए तो मशीन जब डल रहे हो तो मशीन भी सोचने लग जाए कि क्या हो रहा है। कमल 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 मन में ड्रे कमल कमल करेंगे 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 करेंगे। मैं आपको अपील करते हुए आप लोगों के काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नेताओं ने जो उनको 2 महीने पकड़ाए थे उसकी तो बातें नहीं कर रहे, मैं उसकी बात करता हूं। आपके नेताओं ने मुझे एक मांग पत्र दिया है मित्रों, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अभी ध्यान में आया है जो होने वाली है, कुछ ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट के सामने सरकार में जाकर के विचार करेंगे, उसमें जो कोई होगी तब करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं, जो पहली बात कुरुक्षेत्र में होड़ के लिए भगीरथ जी के नाम से एक भवन बनाने की इच्छा जताई है। घर कहना कुरुक्षेत्र के लोग वहां जाकर के कोई एक प्लॉट, चाहे वो हुडा का प्लॉट हो, चाहे वो इसका नगर परिषद का हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट का हो, तो इस नाते से 500 वर्ष के प्लॉट का निर्माण कर रहे हैं। काफी कम बची है, बहुत व्यवस्था नहीं है, आप इसका चिन्हित कर लें और अप्लाई कर लें। जो भी पॉलिसी है उस पॉलिसी के हिसाब से बहुत समाज को लेकर धर्मशाला बनाने के लिए 5 वर्ष का प्लॉट मिल जाए। ऐसे ही बकरी के नाम से कोई शिक्षण संस्थान का नाम अब ये नहीं लिखता है कि कौन सा रखे। मेरा कहना है कि जो हमारे प्रमुख लोग हैं जिन स्थानों पर पुरुष समाज बड़ी संख्या में रहता है, उन स्थानों को 3-4 स्थान चिन्हित करके दे दें ताकि हम उसको पता कराने में किसी और के नाम से ना रखा गया हो, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है, यहाँ घोषणा हो जाती है बाद में पता लगता है कि उसका नाम तो पहले से कुछ और रखा हुआ था, और इस प्रकार के 2 बार विवाद हो चुके हैं। मैं उस विवाद से बचना चाहता हूं, आप पहले पता